जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए वैसे तो समय समय पर मेरे चैनल पर इस स्टॉक के बारे में बात होती रहती है क्योंकि पेनी स्टॉक की दुनिया में काफी चर्चित स्टॉक्स है लिस्टोन टेक्सटाइल्स। और जब टेक्सटाइल्स सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें भी काफी जाना पहचाना ये नाम है लिस्टोन टेक्सटाइल्स। शुरू शुरू में जब ये 21-22 में आया था तो उस समय खूब बूम मचाया था, खूब तहलका मचाया था, इस स्टॉक ने खूब पैसा कमा के दिया अपने निवेशकों को। किसी ने किसी भी लेवल पर इस स्टॉक उठाया था 2021-22 में, खूब पैसा बनाया था। आगे अब भी पैसा बनाने के इस स्टॉक को मौका मिल रहा है। हालांकि कि मैंने जब पिछले बार वीडियो बनाया था जब ये स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में था तब भी मैंने बताया था कि अभी भी बहुत से लोग पैसा कमा सकते हैं जो लोग इस कंसोलिडेशन रेंज से कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। कुछ लोगों ने पैसा बनाया, कुछ लोगों ने नहीं बनाया, तो उनके लिए आगे क्या हो सकता है अभी जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में इस बात को कवर करेंगे कि जिसके पास स्टॉक्स है और यदि अभी भी उनका पोर्टफोलियो रेड में है इस स्टॉक की वजह से तो उन्हें क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले एक गुड न्यूज है, पहले गुड न्यूज दिखा देता हूं, उसके बाद इस कंपनी के कामधाम बाकी फंडामेंटल और टेक्निकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड न्यूज ये है कि इंडियन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स जो है यहाँ पे आपको राइज किया है, यानी कि बढ़ा है, और इसकी डिमांड जो है चाइना से घट मतलब कम हो रही लोगों को साउथ एशियन मार्केट्स में खूब बढ़ रही है। जैसे नीचे इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस बार जो है भारत का टेक्सटाइल्स जो इंडस्ट्री है ओवरऑल 4.15% के रेट से ये ग्रोथ करते हुए आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एशियन साउथ एशियन मार्केट में खासकर खूब इसकी डिमांड बढ़ रही है। और मैंने पहले भी बताया ओवरऑल यहाँ पे पूरा आर्टिकल से आप पढ़ सकते हैं कितने बिलियन डॉलर का कारोबार इसका बढ़ा है सिर्फ इस नंबर के इंक्रीज होने से। मैं शुरू से कहते आया हूँ आपको कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारे देश की गवर्नमेंट इस पर खासा ध्यान दे रही है टेक्सटाइल सेक्टर को बूम करने के लिए। और टेक्सटाइल के मामले में अभी तक जानते हैं आपकी जो बांग्लादेश और जो चीन है भारत से लगभग आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया जब भारत टेक्सटाइल सेक्टर में नंबर वन होगा और बांग्लादेश और चीन को पछाड़कर दुनिया पर राज करेगा। तो यही वजह है कि जो ओवरऑल वर्ल्ड है जो इस सेक्टर की डिमांड कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस सेक्टर को बूम देने वाले हैं और इस सेक्टर को उठा के टॉप पे पहुंचाएंगे। तो आपका फोकस लिस्टोन टेक्सटाइल्स स्टॉक्स होना चाहिए क्योंकि टेक्सटाइल के सेक्टर में काफी मतलब एक चर्चित स्टॉक्स है, जो चर्चित स्टॉक्स होते हैं तो न्यूज को बदलत भी काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कामधाम की। सबसे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस दिखा देता हूं, उसके बाद कुछ अन्य बात करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि जो लोग अभी इस कंसोलिडेशन रेंज में फंसे हुए हैं वो वेट कीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है और जब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है सामान्यतः ब्रेकआउट ही होता है ना कि ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन बहुत कम होता है, 90-95% चांस होता है कि ब्रेकआउट होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे जिन लोगों ने पैसा मतलब माल उठाया नया लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाए होंगे। देखिए पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक में लोग एक दो शेयर नहीं करते हैं, हजारों लाखों में शेयर्स बाई करते हैं। थोड़े बहुत पैसे मूवमेंट होता है तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक में हो जाता है। तो क्या हुआ कि यहाँ से जैसे आप देखेंगे प्राइस निकला इस रेंज से और प्राइस तकरीबन 80 पैसा से निकला और 1 रुपए तक गया। जिन लोगों ने यहाँ तक कमाया होगा कमा लिया, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक रेंज से ब्रेकआउट होता है किसी स्टॉक का तो एकदम डायरेक्ट अपने प्रीवियस हाई के पास नहीं जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है और फिर समय बिता के प्राइस ऊपर निकलता है। तब पहले इसको निकालेगा फिर इसको निकालेगा और ये सीधे इसके डबल जाने का दमखम रखता है। तो यदि अभी तक आप इसमें बने हुए तो बने रहिए क्योंकि स्टॉक में एक लंबा छलांग लगने वाला है। और जिससे हमने बताया कि जो न्यूज सामने निकल कर आ रही है उसके बेसिस पे भी कह सकते हैं कि अब इस सेक्टर की डिमांड और बढ़ने वाली है और जिस सेक्टर की डिमांड बढ़ती है और ओवरऑल तो डिमांडेबल स्टॉक्स है ही सेक्टर है ही और लॉन्ग टर्म में सेक्टर का काफी फ्यूचर है तो इसलिए आप इसमें बने रह सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है ये आप यहाँ पर समझ गए, आपको इसमें बने रहना है। नए व्यक्ति कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब इसका प्राइस 1 रुपए के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी कुछ मत कीजिएगा। अब समझिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो ये कंपनी टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करती है और मैं यहाँ पे काम की बात करूँ तो, लेकिन टेक्सटाइल के अलावा जैसे टेक्सटाइल के प्रोडक्ट में ये ट्रेडिंग वर्क करती है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में भी कंपनी कामकाज करती है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में भी कंपनी इन्वॉल्व है, यानी कि जो मेन बिजनेस है टेक्सटाइल का उसके अलावा भी कंपनी पैसे कमाने का बंदोबस्त करती है कुछ साइड से बिजनेस करके। यही वजह है कि जब आप कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टर के रिजल्ट्स में आप पाएंगे कि यहाँ पे सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी को नहीं हुए लेकिन उसके बाद भी कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में चल रही थी क्योंकि कंपनी के जो अदर बिजनेस है अदर इनकम है वो देखिए अदर इनकम लगातार इस कंपनी का यहाँ पे हुआ है। इस 3 क्वार्टर में जहाँ पे कंपनी का कोई सेल्स नहीं हुआ था यहाँ पे फिर भी कंपनी का जो अदर इनकम है वो हुआ था और इसी अदर इनकम के होने की वजह से कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट में देखेंगे कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट में रही है जबकि कंपनी का सेल्स कुछ नहीं हो रहा है। सेल्स नहीं होने के बावजूद प्रॉफिट में होना ये कोई साधारण बात नहीं है, वो भी कंपनी का जो मेन बिजनेस उससे हट के जो काम करते हैं उससे पैसे बना रही है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो सही से काम कर रहा है और जब किसी कंपनी का मैनेजमेंट सही से काम कर रहा हो और प्लस उस जिस सेक्टर की कंपनी हो सेक्टर का ग्रोथ यदि फ्यूचर में हो तो जाहिर सी बात है कि लिस्टोन टेक्सटाइल्स जैसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में बूम करेंगी। तो ओवरऑल अभी करना क्या है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें समय देना चाहिए,
नहीं है तो किस लेवल पर बाई कर सकते हैं, मैंने वह भी बता दिया। यदि कुछ अन्य अपडेट है जो मुझसे छूट रहा हो या कुछ आप जानना चाह रहे हो तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कमेंट में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बहरहाल वक्त देने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।